सुबह उठते ही सबको चाय पीने की आदत होती है। अगर चाय ना मिले तो दिन बुरा सा लगता है। वैसे तो चाय पीने के शौकीन चाय के नए नए फ्लेवर को ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस चाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर आपने वो ट्राई कर ली तो आप भी शुगर तो ख़त्म होगी ही, साथ ही कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। बता दें, जैसे ब्लैक टी और दालचीनी टी आदि जैसे हैं, उसी तरह से प्याज की भी चाय होती है। लेकिन अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप चाय को अवॉइड ही करते हैं। ऐसे में आपको प्याज की चाय फायदेमंद है। दरअसल प्याज के रस का इस्तेमाल बालों के टूटने की समस्या होने पर अक्सर किया जाता है। इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, नींद न आने की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कभी आपने प्याज की चाय पी है या सुनी है? आज इसी की विधि और इसके फायदे बताने हम जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्याज से बनी चाय का सेवन रोज करने से हाइपरटेंशन का खतरा कम होता है, साथ ही ये वजन को भी कम करने में मददगार साबित होती है। प्याज की चाय ग्लूकोज के स्तर को बेहतर बनाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंट को बढ़ाकर मधुमेह के खतरे को भी कम कर देती है। प्याज में विटामिन सी के अलावा जैसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो बाहरी संक्रमण को दूर करके हमें सर्दी जुकाम से बचाते हैं। इसका सेवन करने से शारीरिक थकान तो दूर होती ही है, साथ ही नींद भी अच्छी आती है। प्याज की चाय प्याज के छिलके से बनती है। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी ले, फिर उसमें प्याज छिलकर उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। इसके बाद जब यह पानी उबल कर 1 कप रह जाए तब गैस बंद कर दें। फिर पानी को छान कर गुनगुना कर लें और उसमें 4 बूंद नींबू का रस डाल लें। 1 ग्रीन टी बैग डालें। 5 मिनट के बाद टी बैग निकाल लें और अपनी इच्छा अनुसार शहद मिलाकर इस फायदेमंद चाय का आनंद लें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।